मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने कहा था और आज मैं बताऊंगा, व्यक्ति सत्य में जाकर के क्यों फंस जाता है, क्यों सत्य को पकड़ नहीं पाता है, चाह करके भी सत्य के रास्ते पर क्यों नहीं चल पाता है। दृष्टांत के लिए तो पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद सब भरे पड़े हैं, जो केवल इस मनुष्य को शिक्षण देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए रचे गए हैं। उनकी रचना महान संत, महापुरुष, ऋषि स्तर के आत्माओं ने की है। मनुष्य की परीक्षा भी बहुत ली गई है। लंबे समय से संघर्ष भी बहुत चल रहा है। मनुष्य ने बाहरी श्रेष्ठताओं को बनाए रखने का प्रयत्न भी किया है और मनुष्य की सराहना और अभिनंदन भी हुआ है। देव शक्तियां भी मनुष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हुई हैं, परंतु इस सब के बावजूद भी मनुष्य एकांकी सत्य में ही फंस करके क्यों रह जाता है, इस बात की जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए आज हम सब मिलकर के इस पर विचार करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य नारायण व्रत कथा लिखी है। उन्होंने ये बताया है, नारायण का सही स्वरूप सत्य ही है। जो बोलने तक सीमित नहीं है, नारायण की सीमाएं असीम हैं और मानवीय बुद्धि सीमित है। गागर को सागर, सागर को गागर में कैसे भरा जाए, नारायण असीम है, सत्य असीम है और मानवीय बुद्धि सीमित है। जो अनेक तरह के आग्रहों और छोटी छोटी सी इच्छाओं के अंदर फंस करके रह गया है, उसमें उस सत्य तक, जो नारायण का सही स्वरूप है, उस तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। सागर को अगर गागर में भरना है तो आपकी भी संरचना सत्य के आधार पर हुई है, यानी कि सत्य सूक्ष्म रूप धारण करके आपके अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है।
उसको विराट रूप देना है, जो बीज रूप में बैठा है उसको विराट रूप देना है। बीज का विस्तार यही है कि वो धरती में जाकर के अपने आप को खत्म कर दे और अंकुर को पैदा कर दे। सत्य वो ही है जो आपकी प्रामाणिकता को प्रकट कर दे। यहीं से विस्तार का क्रम शुरू होता है और सत्य की जड़ें आपके स्वरूप के अंदर अपना विस्तार करने लग जाएं। जी बेटा, परंतु ये बाहर की कहने की बात है रीता। सत्य की जड़ें जब हमारे स्वभाव के अंदर, संस्कार के अंदर अपना विस्तार करने लग जाएं, उसके बाद मनुष्य को जानना कुछ भी शेष नहीं रह जाता। सब अंदर ही अंदर चलने लग जाता है। और अपनी चेतना का विस्तार होने लग जाता है। उसको कहते हैं गागर में सागर को भरना। सत्य की प्राप्ति के लिए एक क्रम की यात्रा को क्रमागत रूप से आगे बढ़ाना होता है। आंशिक सफलता प्राप्त करने के लिए आदमी कुछ थोड़ा बहुत करता रहता है, थोड़ा बहुत तो कुछ करता रहता है, अधिक सफलता प्राप्त करनी हो तो जानकारी से कहीं आगे जाना पड़ता है, क्योंकि जानकारियां अपर्याप्त हैं। मनुष्य अपने क्षेत्र में समग्र है, परंतु विराट के क्षेत्र में, विराट के स्तर को प्राप्त पाने के लिए बहुत सीमित है। सत्य के मैंने दो स्वरूप बताए थे, एक यथार्थ एक व्यवहारिक। यथार्थ में आप सत्य हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में आप सत्य नहीं हैं। आप सोचेंगे भी, मंथन भी करेंगे, हम कहां पर गलती करते हैं, परंतु आसानी से निर्णय पर पहुंचना बहुत आसान नहीं है। मैंने कहा था कि हम दूसरे काम करने वाले के ऊपर दोष लगा सकते हैं, परंतु अपने ऊपर नहीं लगाते। दिमाग हर किसी का खुला हुआ है, पर सत्य की परिधि को अपने अंदर समा नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और ना समझ पाने के कारण ना समझी में फंसा हुआ रह जाता है। यदि आग्रहों के दायरे में
सीमित रहना छोड़ दे, आग्रहों के दायरे में सीमित रहना छोड़ दे, तो काल और क्षेत्र के अनुरूप सत्य को पकड़ ले। यही आपका विस्तार होगा। समय की अपनी चाल होती है, हर समय का अपना एक प्रवाह होता है, बेस काल और परिस्थिति भी होती हैं। समय में छुपी हुई बुराइयों का मुकाबला करना पड़ता है। पूर्व जानकारी होना एक बात है, वो आपका एक आयाम है, परंतु उससे आगे बढ़ना दूसरा आयाम है। जैसे धरती की गहराई में जाते हैं, उसके अंदर परतें छुपी हुई होती हैं, ऐसे ही जब चेतना की गहराई में जाते हैं तो उसी को आयाम कहते हैं। उन प्रकोटों को हमको पार करना पड़ेगा। बालकपन में जो वस्त्र पहने जाते हैं, समय बीत जाने पर शरीर बड़ा हो जाता है, वो वस्त्र छोटे हो जाते हैं, पहनने लायक नहीं रह जाते, आएंगे ही नहीं। ऐसे ही बालकपन का सत्य अपना सत्य होता है, जैसे जैसे प्रौढ़ता आती जाती है, वैसे ही वैसे पिछली मान्यताएं अमान्य होती चली जाती हैं। इस प्रकार यदि देश काल के अनुरूप परंपराएं भिन्न प्रकार से अपनाई गई तो उसमें विग्रह जैसी बात नहीं दिखाई देती। विग्रह जैसी कोई बात जब दिखाई नहीं देती तो मेरे धर्म प्रेमियों, सत्य और विवेक को अपनाना ये ही हमारे लिए उचित होगा। काल के प्रवाह में बह जाना हमारी समझदारी नहीं है, काल के प्रवाह में बह जाना हमारी समझदारी नहीं है, क्योंकि उसमें अपना कल्याण नहीं है, शरीर तक सीमित है वो। परंपराओं की भिन्नता भी सामने आती है, परंपराओं की भिन्नता भी सामने आती है। और वो भिन्नता यहां की कुछ मान्यताएं हैं, 100 किलोमीटर दूर चले जाइए कुछ और मान्यताएं हैं। जहां पर रहते हैं उसको सत्य मानते हैं, 100 किलोमीटर दूर रहते हैं वो उसको सत्य मानते हैं। एक परंपरा का अभ्यस्त व्यक्ति दूसरी परंपरा को हीन भाव से देखता है, परंतु सत्य और विवेक की दृष्टि से कोई परंपरा उचित रही हो ऐसी बात नहीं है।
यहां पर भी सत्य है और वहां पर भी सत्य है, यहां पर भी असत्य है और वहां पर भी असत्य है। अगर विवेक बुद्धि जगती है तो सही जो सत्य है, जो छुपा हुआ है, वो प्रकट होता है। परंपराओं का परिशोधन करना पड़ेगा। धर्म का उल्लंघन यही है। हम अगर धर्म को मानते हैं तो विवेक निकल करके आता है। सत्य की कसौटी पर जो खारा उतरती है वही दिशाधारा है। हमें किसी निष्ठा का हनन नहीं करना चाहिए। इससे तो औचित्य को परिपोषण मिलता और विकास क्रम आगे बढ़ता है। बढ़ना ही हमें आगे चाहिए। मानवीय प्रगति का इतिहास रचा हुआ है, उसका हमें अध्ययन करके, उसको समझ करके अपने जीवन को आगे गति देनी चाहिए, जिससे हमें उत्तम मार्ग विदित हो जाए। उपलब्ध जानकारी का लाभ उठाते हुए अविज्ञात को पकड़ने की कोशिश हमको करनी चाहिए। इतिहास का सहारा लेते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। इसी आधार पर विकसित हुआ जा सकता है। पैरों को यथास्थान जमाए रखने के आग्रही प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं। व्यवधान या विघ्न जो उपस्थित होते हैं वो उसी से होते हैं जहां हम उद्देश्य विचलित होते हैं। हाँ बेटा, सत्य पर चलना छुरे की धार पर चलना है। और जैसा अभी सुदेश लिख रही है, मैं इसी में जोड़ रहा हूं, मुर्दे व्यक्ति छुरे की धार पर नहीं चलते हैं। अर्थात जो उन कठिनाइयों का सामना ना कर सके वो मुर्दे। अपना प्रमाण दृढ़ता के साथ हमको देना होगा। सत्य की आग में से हमको निकलना होगा। विचारों को दृढ़ता, विचारों की जड़ता और जड़ता को अपने से भिन्न बनाना होगा, जड़ता को हटाना होगा। बिना विवेक की कसौटी पर किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना। इस जानकारी का लाभ उठाते हुए क्रम से तत्व ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता सभी का विकास करना चाहिए। इस क्रम को रुकने नहीं देना चाहिए। फैक्ट्री जब तक चलती रहती है, उत्पादन होता रहता है, सफलता मिलती रहती है, धन दौलत आती रहती है। अगर कहीं रुकावट आती है तो उत्पादन भी रुकता है और प्रगति भी रुक जाती है। धर्म के मूल स्वरूप को समझना वही सत्य है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य मान्यताओं के संबंध में अधिक जानकारी रखने की इच्छा को रखा जाए।
औचित्य और यथार्थ की दिशा में बढ़ते हुए उत्तम पुरुषों के द्वारा जो कुछ किया गया उन निर्णयों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी आपकी पहुंच सत्य तक होगी। वरना आप यहीं पर अटके अपने निजी स्वार्थों के अंदर आप अटके हुए रह जाएंगे। अब ध्यान की तरफ चलें। सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस ब्रह्म वर्चस सविता सविता उपास ब्रह्म वर्चस उपास एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन
अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से सर्चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के सर्चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद, वेधन शोधन जागरण, षट्चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण,
अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। अज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में। ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचों का पंच कुंडलनी जागरण के पांच चरण पंचोंकार। हाथ मलिए,
मुखमंडल पर फिराइए। सत्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, अब सत्य से आगे चला जाए इसके बारे में सोचा जा रहा है। कोशिश कल से की जाएगी, आप भी अपना प्रयत्न करिए, मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो परिणाम जरूर आएंगे। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं।